नमस्कार, स्वागत आपका अर्थात में, मैं हूं नीरज। बीजेपी सालों से राहुल गांधी की चुनौती की कार्ड ढूंढ रही थी और आखिरकार उसने राजू श्रीवास्तव को पार्टी में शामिल कर लिया। रामदेव का कहना है कि केजरीवाल कांग्रेस के एजेंट है। बीजेपी का आरोप है कि वो CIA के एजेंट है। इस तरह उन्हें बस LIC का एजेंट बताना ही बाकी रहेगा। चुनाव लड़ने के नाम पर जिस तरह कांग्रेसी घबराए हुए हैं, शायद वो पहली पार्टी होगी जहां टिकट मिलने पर लोग बगावत कर बैठे। आडवाणी साहब आजकल इतनी बार उठते हैं कि वो 10 मिनट बाथरूम से भी ना निकले तो बाहर से आवाज लगाकर घर वाले पूछते हैं, नहा रहे हैं या नाराज हो गए। इस बीच मध्यप्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई। खबर है कि दिग्विजय सिंह यूपी के वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। आतंकियों के मणिपुर बंद के कारण राहुल गांधी वहां पर भाषण नहीं दे पाए। कौन कहता है कि आतंकी हमेशा जान लेते हैं, कभी कभी जान बचाते भी। मीरा कुमार चाहे तो सासाराम से निर्विरोध चुनाव जीत सकती हैं। उन्हें बस विपक्षी उम्मीदवारों से ये कहना होगा, बैठ जाइए बैठ जाइए। कांग्रेस ने सुरेश कलमाड़ी को लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। बहुत मुमकिन है कि वो इसका विरोध 2016 में करेंगे। कारण आप तो जानते ही हैं, वो कोई भी काम वक्त पर नहीं करते। जगमोहन रेड्डी का कहना है कि केंद्र में जिसकी सरकार बनेगी हम उसी के साथ जाएंगे। मोदी ही नहीं, देश के कुछ हिस्सों में अजीत सिंह की हवा भी बह रही है। और ये राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का असर है कि आजकल लोग संता को भी राहुल गांधी के जो SMS करने लगे। और इसी के साथ अर्थात कि आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे कुछ और चुनावी बाणों के साथ।